नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पत्नी अपने 3 बच्चों सहित पति को छोड़कर जेवरात व नकदी लेकर हुई फरार। पति ने थाना मुंडा पांडे में लगाई इंसाफ की गुहार। जनपद मुरादाबाद की थाना मुंडा पांडे के गांव मोलागढ़ में पति द्वारा अपनी ही पत्नी पर 3 बच्चों को छोड़कर नकदी व जेवरात लेकर फरार होने के आरोप लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अफजल पुत्र गद्दन की शादी 7 साल पूर्व महक शहर रामपुर पहाड़ी गेट की रहने वाली के साथ हुई थी, जिससे 2 बच्चे, पहला साहिल आयु 6 साल, दूसरा आहिल आयु 5 साल पैदा हुआ। शादी के बाद से ही पति और पत्नी में बात बात पर अनबन रहने लगी, जिससे घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। मेरे समझाने बुझाने पर उल्टा नाराज होकर कई बार वह घर छोड़कर चली गई, मगर जब मैं बुलाने जाता वह मुझे गलत लोगों द्वारा पिटवाती। मैं बर्दाश्त करके आ जाता। पति अफजल का कहना है कि पत्नी महक की माँ मेरी पत्नी को कुछ गलत कार्यों में डालना चाहती थी, जिसका मैंने विरोध किया, जिससे गुस्सा कर पत्नी अपनी 2 बच्चों सहित मुझे छोड़कर घर में रखी नकदी एवं शादी में बने जेवरात लेकर फरार हो गई है। इसकी सूचना मैंने थाना मुंडा पांडे में दी है। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंजूरी की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? ये जो अभी हमने बताया कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, क्यों चली गई, क्या वजह रही? वजह ये रही कि हमारे पर एक लड़का समझ है और वो चली गई अपने जाकर उसे दो उसे जिसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया, हमने उसको दे दिए। किसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया और कहाँ कर लिया? रामपुर में कर लिया, किसी ने करा दिया उसका। तो आपने इसके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी? हाँ दी साहब, वो कार्रवाई हो रही है, वहाँ से सुनवाई हो रही है। अभी हमारे पता नहीं दिया उन्होंने के कहाँ है कहानी। तो क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं हमारी बीवी हमारे जो सामान ले गई वो दे दे। मुझे चाहते हैं हमारे आप लोग सेवा वो करें, वो दें हमें कि हमारी सुनवाई करवाएं और हमारे बच्चों को इनकी मां मंगवा के दें, जहाँ भी हो पकड़वा के दें, जिसके उसके साथ उसकी कार्रवाई हो, जिसने उन्होंने कराया है, लड़के ने कराया उसके साथ कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी सख्त। और माँ का नाम बेबी है। कहाँ रहती है? पहाड़ी गेट रामपुर, रामपुर में। और बाप का नाम वह है गुड्डू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर